यह पूर्ण रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है और हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं में ये है। दुर्वासा धाम को अभी प्रश्न था कि 5 साल बीत गए तब क्यों, मैं बताना चाहूँगा पार्टी के प्रयासों से जिला पंचायत की तरफ से भी 30 लाख रुपए दुर्वासा को दिए गए थे और यहाँ पे वो काम चल रहा है बाउंड्री वॉल का। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं दुर्वासा के लिए आई थी। तो दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा, माँ शीतला, मुड़ियार महादेव, चाहे हमारा जो बाकी है पलना हुआ, द्रोणाचार्य हुआ, ये सभी हमारी प्राथमिकताओं में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे कि सरकार की नीति है निजामबाद क्षेत्र को एक बहुत ही बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ विकसित किया जाएगा। इससे यहाँ की सड़कों का भी विकास होगा और यहाँ पे सड़कें और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो इससे यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी, यही प्रयास है। रैली सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जन समर्थन है उनका, बार बार उद्देश्य था कि वो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं तो एक बार उनके विचारों को लिया जाए जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार हो और 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी केसरिया लहराए और इसी प्रयास को फलीभूत करने के लिए, अपने विचारों का उद्बोधन देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जैसे को हमेशा भाजपा के खिलाफ ही माना जाता है, तो इस बार क्या उम्मीद है कि जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से क्या रहेगा? आजमगढ़ कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं रहा, आजमगढ़ हमेशा भाजपा के साथ रहा। विचारों को पूरी तरीके से हम नहीं पहुँचा पाए थे लेकिन अब की बार जिस तरीके से हमारा जन समर्थन है, जिस तरीके से जनता टूट करके आ रही है, 50,000 एक छोटे से कार्यक्रम में लोग आने को तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये 50,000 नहीं 1 लाख तक पहुंचेगा। सारी सड़कें भर जाएंगी, हमारी जितनी भी रैलियां हुई, अभी हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे बाकी मंत्री मंडल के लोग आए, प्रदेश से लोग आए, आपने देखा मुख्यमंत्री जी की रैली में लाखों लाख की भीड़ थी। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ रहेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, जनता का पूर्ण समर्थन है और जनता ने कहा है कि अब आजमगढ़ के नीलगंगन के पे 10 की 10 सीटों पे केसरिया लहराएगा। सुरक्षा की रूप में SSP साहब से बातचीत हो चुकी है, सारी चीज़ें गई हैं, यहाँ पे आकर के जो हमारे SP ग्रामीण, जब भगवान विष्णु ने यह कहा था कि इस दिन जो शिव दर्शन करेगा, उत्तमा एकादशी के दिन किया गया शिव दर्शन, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद देता है, साथ ही साथ वह मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद, जो भी उस दिन यहाँ आएगा और दर्शन करेगा शिव के नए स्वरूप में जिस तरीके से वो हैं, उनको सभी का आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए सबसे निवेदन है कि सभी लोग आएं। ठीक सर, इस जो हमारा दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर है, हमारे धर्म से और जो हमारे राम मंदिर बन रहा है और उन सारी चीज़ों, जो हमारे इतिहास है, हमारे धर्म से रिलेटेड जो इतिहास है, उससे बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस रखता है। और अभी तक पिछले 10 सालों में इस बात की, इसकी किसी को जानकारी नहीं होती थी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ये लगता है ज़रूर है कि अब इसकी जानकारी लोगों, नेशनल लेवल तक लोगों तक जानकारी होगी और इसके विकास के माध्यम से हमारे क्षेत्र का, जो इससे कई विधानसभाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे अतरौलिया हो गया, फूलपुर हो गया, निज़ामबाद हो गया, उन सब के बीच का एक सेंटर है, तो जब इसका विकास होगा तो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, तो हमारे आसपास की विधानसभाओं का भी स्थिति में सुधार होगा। कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं अभी तो जो यहाँ के जो हम अगर इस प्रोग्राम के लिए पूछ रहे हैं तो काफ़ी मंदिर का जो शिव मंदिर है उसको चांदी से उसको कवर किया गया है और स्नान गृह जो महिलाओं के लिए, जो हमारी सरकार महिलाओं के लिए ज़्यादा उस पर काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो एक स्नान गृह चाहिए था जो हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है,
और उसके अलावा जो आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनकी साफ़ सफाई हुई है, पार्किंग की बढ़िया सुविधा दी गई है कि जहाँ पे कम से कम 10,000-15,000 गाड़ियाँ खड़ी हो सके, और क्योंकि 1,00,000 लोगों तक की व्यवस्था कराई गई है कि 1,00,000 लोग, हम उम्मीद कर रहे हैं 1,00,000 लोग से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सब हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और उनकी सहानुभूति है हमारे इस मंदिर से, तो लोग आएंगे ज़रूर। ठीक सर, सर आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर, दिनांक 30 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, और इस पवित्र दुर्वासा धाम पर मंदिर के गर्भगृह में वो चांदी का छत्र से आच्छादित की जा रही है, उसका उद्घाटन, और यहाँ बहुत दिनों से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहाँ जब मेला लगता है नहान के दिन तो हम महिलाओं को वस्त्र बदलने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसके स्नानागार का शिलान्यास माननीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथों होगा, और यहाँ एक जनसभा के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। कितने रुपए की लागत से सर वो कार्यक्रम जो आपका बनना है महिलाओं के लिए वो बनेगा, और क्या 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 सुविधाएं होंगी उसमें महिलाओं के लिए? अब स्नानागार बनने में आधुनिक जो लागत आता है वो लागत है, और स्नानागार में वस्त्र बदलने के लिए है तो उस हिसाब से वो बन रहा है। जो दुर्वासा का जो महात्मा है कि इस कुंड में लोग स्नान करते हैं तमसा और मंजूसा के संगम पर, तो महिलाएं बड़ी संख्या में स्नान करती हैं, तो वो स्नानागार उस हिसाब से बनेगा कि एक साथ 25 महिलाएं अपने वस्त्र को बदल सकें, सुविधायुक्त बनेगा आधुनिक। सर उत्तर प्रदेश की एक योजना है, यूपी नहीं देखा इंडिया नहीं देखा, आपकी सरकार ने लगाया है, मगर उस हिसाब से कहीं ना कहीं आजमगढ़ पिछड़ा हुआ दिखता है। चंद्रमा ऋषि का आश्रम है ये आश्रम, तो अब इस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है? 5 साल बीतने जा रहे हैं। नहीं, हमारे पर्यटन विकास मंत्री माननीय महेश शर्मा जी भी दुर्वासा धाम पर आए थे। जिले के हमारे जितने भी इस ढंग के स्थान हैं, चाहे वो दत्तात्रेय रहे हो, दुर्वासा रहा हो, अवंतिकापुरी रही हो, माँ पालमेश्वरी का धाम रहा हुआ, सुंदरीकरण और नवीनीकरण के लिए, सरोवर की सफाई के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार धन दी और काम हुए। आज भी हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं, हम जहाँ विकास कर रहे हैं वहीं अपने जो हमारे मापदंड हैं आस्था के, उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं। क्या समय रहेगा और कितनी जनसंख्या में रहेगी आप रैली? समय माननीय अध्यक्ष जी का 11 बजे का यहाँ समय है, और यहाँ जनसंख्या जो क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो लग रहा है यहाँ 50,000 के आसपास की जनसंख्या रहेगी। बाई रोड आएंगे? नहीं, बाई रोड आएंगे, काशी से चल के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके दुर्वासा धाम को पधार रहे हैं। और उनके साथ साथ कौन कौन रहेगा? अब प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनके साथ हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता।